हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के बाहर कसरत करते ये हैं 74 साल के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। रात भर ठंड में थाने के बाहर धरने पर बैठे हरीश रावत सुबह उठे तो कसरत करने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर भी स्वस्थ रहने के लिए हरदा शायद घर पर रोजाना कसरत करते हों, लेकिन रात भर खुले आसमान के नीचे लेटे रहे बुजुर्ग हरीश रावत सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को शायद ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के हक के लिए डटा रहूंगा और लड़ता रहूंगा। उत्तराखंड की राजनीति में आपने बहुत से रंग देखे होंगे। आपने हरीश रावत को भी इतने सालों में कई रंगों में देखा होगा, कभी सिर पर सिलेंडर ढोते हुए, कभी आम पार्टी रखते हुए, कभी लाठी के सहारे दूर सुदूर इलाकों में जाते हुए, तो कभी शांतिपूर्वक मौन साधना धारण करते हुए। लेकिन यकीन मानिए, 74 साल के बुजुर्ग हरीश रावत को रात भर ठंड में सोता देख और इस तरह कसरत करता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हरीश रावत हरिद्वार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वो उम्र के इस पड़ाव में राजनीति से दूर रहकर किताब लिखते हुए अपने जीवन के अनुभवों को कलमबद्ध करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति इस तरह कर दी गई है कि चाहे उनकी जान तक चली जाए वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। पुलिस प्रशासन की विशेष हमें किसी भी सीमा तक जा सकता है, प्राण भी निछावर करने पड़े तो प्राण नहीं जा सकते। मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में नहीं फंस सकता, मैं कुछ बहनों के लिए अपना और काम करना चाहता था, क्योंकि जीवन का जितना अनुभव है मैं उसको सब कागज में उतारना चाहता था, लिखने के लिए समय चाहता था। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं चीज़ों को मजार में नहीं छोड़ सकता, संघर्ष है, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, इसलिए किया है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए थाने के बाहर यहाँ सोया हूँ। जब देखूंगा कि थाने वालों को दिक्कत हो रही है तो SSP के घर पे चला जाऊंगा, वहाँ बैठूंगा, ये वहाँ भी नहीं होगा तो गंगा की पौड़ी। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों पर BJP सरकार के द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हरीश रावत के आरोप हैं कि सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाया, इससे डरकर कोई भी कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख या फिर जिला पंचायत प्रत्याशी बनने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और हरिद्वार में लोकतंत्र को बचाने के लिए उनकी ये लड़ाई बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं को समाप्त किया जाना, पहले सत्ता के बल पर, पुलिस के बल पर, पुलिस के आतंक से लोगों ने पंचायती चुनावों पर कब्जा कर लिया, ग्राम प्रधान से लेके क्षेत्र पंचायत से लेके ब्लॉक प्रमुख तक, फिर लोगों को मुकदमों का डर दिखाकर भाजपा में सम्मिलित करवाए गए, लोगों से कहा गया तुम्हारा सर्टिफिकेट जीत का रद्द कर देंगे तो तुम भाजपा में नहीं आए, और अब विपक्ष मुक्त हरिद्वार बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में आतंकित किया जा रहा है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि पुलिस की भी साख रहे और कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिल जाए, लेकिन मुझे विवश होकर के भादावाद थाने में यहां पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। धरना क्या, अब रात भी यही, रात और दिन जिस समय तक धरना हो सकता है, दिवाली भी यही मनानी पड़े, दिवाली भी भादावाद थाने में मनाएंगे, और यदि चाहे ये शासन कर सकता है चाहे तो हमको गिरफ्तार करके जेल डाल दे। मुझे बुखार भी है, सर्दी जुकाम है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैंने फैसला किया है कि मैं खुले उसमें यहाँ रहूंगा ताकि जान भले ही चली जाए लेकिन हमारे रहते हमारा कार्यकर्ता डर के मारे कांग्रेस छोड़ दे, ये मुझे मंजूर है। शासन प्रशासन और 74 साल के बुजुर्ग हरीश रावत के बीच ये लड़ाई कई मायनों में राजनीतिक जरूर हो सकती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को उम्र के इस पड़ाव में इस तरह निराश, नाराज और संघर्ष करता देख सवाल BJP सरकार से ये होने चाहिए कि क्या सत्ता की इस लड़ाई में नैतिकता की कोई जगह बची है या नहीं, क्या मौजूदा राजनीति में प्रदेश के सबसे ऊंचे कद के नेता का कोई महत्व है या नहीं। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।